जब वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, तो उसके जनरल बोगी में बैठे प्रवासी मजदूर और उनके बच्चे भूख से व्याकुल होकर उम्मीद भरी नजर से देखते रहे। इस उम्मीद को पूरा किया अनाज बैंक के भोज दूतों ने, जब वे ट्रेन के समय कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विवेकानंद सत्कार पोटली लेकर पहुंचे। मुंबई से मुजफ्फरपुर तक का सफर तय करने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकी, तब अनाज बैंक के भोज दूतों ने खिड़की से कहा कि बाहर आकर पोटली ले जाइए। मुजफ्फरपुर जा रहे शंभू ने अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहा कि कुछ खाना बच्चों को मिल जाता, क्योंकि ये दिन भर से भूखे हैं। भोज दूतों ने जब पोटली पकड़ाई, तब बच्चों के चेहरे खुशी से खुल उठे। इस तरह और भी मजदूर मुंबई से बिहार की तरफ जा रहे थे, आहार और पानी पाकर अनाज बैंक के भोज दूतों का धन्यवाद करते दिखाई दिए। विशाल भारत संस्था द्वारा संचालित अनाज बैंक एवं परिवार संस्था के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इस पोटली में सत्तू भरी मकुनी और मठरी विशाल भारत संस्थान की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष भवन में तैयार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रुजा भारतवंशी। अनाज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग अनाज बैंक के भोजन दूत है। हम लोग बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर अनाज बैंक द्वारा सत्कार पोटली दिया जा रहा है। अभी तक आप लोग कितने लोगों को दे चुके हैं ये पोटली? अभी तक हम लोग 400 पोटली प्रवासी मजदूरों को दे चुके हैं। ये सत्कार पोटली अनाज बैंक द्वारा ही दिया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने में कई घंटे लग जाते हैं। रास्ते में खाने पीने का सामान नहीं मिलने से उन्हें भूख का सामना भी करना पड़ता है। अब सत्कार पोटली मिलने से घर पहुंचने तक उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस अवसर पर अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि अनाज बैंक के भोज दूत ट्रेन के समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहकर सत्कार पोटली दे रहे हैं। लगभग 400 प्रवासी मजदूरों को सत्कार पोटली और 200 बच्चों को इंद्रेश पोटली दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था काशी के संस्कार के अनुरूप है। प्रतिदिन 400 से 500 प्रवासी मजदूरों को आहार और पानी दिया जाता है। आहार में सत्तू भरी मकुनी और मठरी है, जो किसी भी स्थिति में खराब नहीं होगी। इसके साथ सत्तू और लाई भी दी जा रही है, जो विपरीत परिस्थितियों में भोजन का विकल्प बनेंगी। बच्चों के लिए इंद्रेश पोटली खुशियों का खजाना है, क्योंकि इसमें बच्चों की पसंद का चिप्स और बिस्किट भी रखे गए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहरुद्दीन, अनाज बैंक कार्यकर्ता। जी, आज आप लोग किस तरह की पोटली दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? आज हम लोग जो प्रवासी मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं, उनको अनाज बैंक द्वारा, परिवार संस्था द्वारा स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली हम लोग प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं, जिसमें लाई, मठली, मकुनी, मरचा, नमक, पानी, बिस्किट, सत्तू सब उसमें रखा गया है पोटली में। स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली में हर सामान हम लोग रख के उन लोग को वितरण कर रहे हैं। जब उन लोग आ रहे हैं ट्रेन से, यहाँ रुक रही है ट्रेन, तो हम लोग तुरंत ट्रेन के पास पहुँच रहे हैं, उन लोग को उनके बोगी तक सामान पहुँचा रहे हैं। आज आप लोगों ने कितने लोगों को दिया? आज हम लोग कम लगभग 400 से 450 लोगों में स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली वितरण किए। स्वामी विवेकानंद सत्कार पोटली और इंद्रेश पोटली के साथ स्वामी विवेकानंद और इंद्रेश कुमार का संदेश भी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। अनाज बैंक के इंद्रेश उम्मीदवार को सुभाष भवन से कैंट स्टेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक सहगल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।